जब तक हमसे हो पाएगा, जब से हम जब तक हमें सपोर्ट मिलेगी सबकी, तब तक हम ज़रूर लास्ट तक भी, आप बोल रहे हो, हम लास्ट तक भी, जब तक हमारे यहाँ पर जीरो केसेस नहीं हो जाता, हम तब तक एंड तक खड़े रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूँ स्वप्निल पटियाला। आपको बताते चलें, युवक आप मेरे साथ देख रहे हैं, हेल्पिंग हैंड कॉमोरेट की युवक हैं। जिस तरह से लगातार हम चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आपके आस पड़ोस में कोई भी गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार है, उसके पास ज़रूर जाएं, उन्हें खाना पर वितरित करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके पास ना हो, जो उन्हें ज़रूरत, जिस चीज़ की उन्हें काफ़ी ज़रूरत हो, वो प्रोवाइड करें, ताकि उन्हें अपनी गरीबी का एहसास ना हो। वैसे ही ये दो युवक जो हैं हेल्पिंग हैंड कॉमोरेट के हैं, इन्हीं युवकों द्वारा हर गांव में जाकर, हर जिलों में जाकर खाना वितरित कर किया जा रहा है। इन युवकों से बात करने की कोशिश करूंगा। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीरेन है। वीरेन, आपके माइंड में कैसे आया, क्योंकि बड़े बड़ों की अगर मैं बात करूं, वो भी काफ़ी देर के बाद सामने आए, घर घर जाकर गरीब परिवारों में जो है खाना वितरित कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कैसे है कि आप भी जो है एक अपनी एक संस्था बनाएंगे, टीम बनाएंगे और घर घर जाकर, हर जिलों में जाकर जो है खाना वितरित करेंगे? दरअसल भैया, ये ड्राइव शुरू की गई थी पहले जम्मू में हमारे एक बड़े भैया, उनके द्वारा, तो उनसे ही हमने मोटिवेट होकर, उनका नाम है राहिल भैया, तो उनसे हमने मोटिवेट होकर आगे हमने ये ड्राइव शुरू की उधमपुर में भी, तो जो कि आज हमारा डे 5 चल रहा है, तो हम हर गाँव वगैरह में जाकर ये फूड वो करते हैं, वितरित करते हैं लोगों में, ताकि कोई आदमी भूखा ना सो पाए। थैंक यू भैया। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम आर्यन शर्मा है। आर्यन, मुझे ये बताएं, जैसे आप ही के फ्रेंड ने बताया कि हम हर जगह जाकर एक राहिल जी से एक मोटिवेट होकर आप उधमपुर में इस तरह का काम जो शुरू कर चुके हैं। कई लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जब वो किसी को खाना वितरित करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, या कुछ भी अन्य चीज़ों की मैं बात करूँ जो प्रोवाइड करते हैं, देते वक्त फ़ोटो शूट किया जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे भैया? एक्चुअली ऐसा है कि मैं पर्सनली उस चीज़ को बहुत गलत मानता हूँ, अगर कोई मतलब सोशल मीडिया का यूज़ ना करके पर्सनली शो ऑफ करने के लिए अगर इस चीज़ का यूज़ करे, तो वो चीज़ बहुत गलत है। बट जो हमारी एक जो हमारा एनजीओ है, जो कि रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, वो हम इस चीज़ के लिए थे, क्योंकि भैया आप देख सकते हैं हम इस टाइम यूथ हैं, हम अपने से जितना हो सकता है हम उतना मैक्सिमम कर रहे हैं, बट अगर हम ये वीडियो शूट नहीं करेंगे तो शायद हमें सपोर्ट ना मिले, शायद हमें एफर्ट्स नहीं लगाएंगे मीडिया तक के पहुंचने के लिए, तो शायद हमें इतना सपोर्ट ना मिले, शायद हमारी फूड ड्राइव जो देश साथ की है। आप भी मेरे पास आए हैं, आपने भी मुझे कहा कि ये चीज़ें जो है मीडिया में आनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको लोगों को देखकर जो है बाकी लोग भी बाहर आएंगे लोगों की सेवाओं में। पर आप ये नहीं मानते, जिस तरह से आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा, इसी तरह से और आए, क्योंकि खाना वितरित करते हुए फ़ोटो ना लें, क्योंकि जिस तरह से हम भी जाते हैं किसी के पास, उनका कहना ये होता है हम फोटो शूट इसीलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं हमें देखकर आगे आए, वो भी खाना वितरित करें। क्या खाना देने के बाद क्या वो उस वक्त नहीं लोगों तक की बात पहुंचाएं कि अपील करें कि इसी तरह जिस तरह से हम खाना वितरित कर रहे हैं, हम चीज़ें वितरित कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से करें? बिल्कुल भैया, उनको ये अपील करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ हैं फिलहाल तो हमारा इंस्टाग्राम पर है, तो हम अपनी हर वीडियो के बाद लोगों को बोलते हैं कि अगर आप हमें सपोर्ट करें, हम सपोर्ट में, हम डोनेशन में बिल्कुल पैसे नहीं ले रहे हैं, हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ जो हमारा राशन लगता है, जो भी हमारा बनाने में फूड ड्राइव में, वो हम सिर्फ वो ले रहे हैं, तो हमारा इसमें कोई एक सेल्फिश मोटो नहीं है, हम सिर्फ एक लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो कि राहिल भैया से, जो हमारे राहिल भी हैं जम्मू में, वो डेली जीएमसी में 1500 से 2000 लोगों का खाना बना रहे हैं, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से, एक मतलब उनका खाना जीएमसी का स्टाफ खा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाइजीनिक खाना है, तो उनसे अगर हम मतलब उनसे हमने हम मोटिवेट हुए कि अगर ये इंसान बिना पैसे लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं यार, हम भी तो छोटे स्केल पे तो कर ही सकते हैं 100-200 के लिए, तो बिल्कुल हम यहाँ से मोटिवेट हुए भैया। मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी तक आप कहाँ कहाँ जो है खाना वितरित कर चुके हैं? अभी हमने जब स्टार्टअप किया था अपना, विरमा पुल के साइड पे जो स्लम्स हैं वहाँ पे, उसके बाद हम ऊपर वाली साइड डूडू मल्ला है उस साइड भी गए थे, तो अभी हमारा डे जैसे बढ़ते जा रहे हैं और हम और स्लम्स एरिया, और हमें सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हमें अगर किसी को कोई स्लम्स एरिया कोई आपके पास है, कोई किसी को अगर खाने की ज़रूरत है, अगर आपको कुछ है, लगता है कि उसको ज़रूरत है, तो हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे हेल्पिंग हैंड कॉमोडेट के जो युवक थे, जिस तरह से लगातार ये लड़के भी जो हैं, ये युवक भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर, अलग अलग जगहों में जाकर गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवारों को खाना वितरित कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त इस कोरोना पैंडेमिक में खाने को लेकर तरस रहे हैं, एक काफ़ी अच्छी बात है हमारे उधमपुर के लिए।
कि हमारे उधमपुर भी के जो युवा हैं वो अभी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लगातार लोगों की लगातार सेवाओं में जुटे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी जो ये लोग वीडियो देखेंगे उन्हें भी मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार है उनके पास ज़रूर जाएं, उनसे बात करिए, किसी भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत है उनकी ज़रूरत वो पूरी करें ताकि उन्हें अपनी गरीबी का एहसास ना हो। और एक और चीज़ मैं अंत में कहना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति अगर कोई भी परिवार इस कोरोना पैंडमिक में अपने घरों से बाहर नहीं आ सकता है, कोई भी जिस तरह से एसेंशियल सर्विसेज को उधमपुर में अनुमति दी गई है, बीते दो दिन पहले की बात करूं, जिला आयुक्त इंदु करवल चिप द्वारा कुछ नॉन एसेंशियल को भी अनुमति दी गई। जहां तक मैं बात करूं, ऑप्टिकल्स की दुकानों को खोला गया, इलेक्ट्रिशियंस की दुकानों को खोला गया, स्टेशनरी की दुकानों को खोला गया, कोई लोग युवक या कोई बच्चे ऐसे हैं, कुछ छात्र छात्राएँ ऐसी हैं जो कोरोना पैंडेमिक में घर से बाहर नहीं आ पा रहे, आप हमसे कंटेक्ट करिए। अब मेरा नंबर ले लीजिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जो लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हमारी ज़रूरत है, मेरा नंबर ले लीजिए, मुझसे कंटेक्ट करें, हम अपनी टीम द्वारा आप तक जो है सामान पहुंचाएंगे।